हम मेडिटेशन करेंगे फॉरगिवनेस के लिए। कोई भी हेट, गिल्ट, एंगर, हर्ट अगर हमारे अंदर है किसी के लिए भी, किसी इंसान के लिए या किसी परिस्थिति के लिए, तो आज हम उसे अपने मन से निकालेंगे और खुद को पूरी तरह से खाली करेंगे इस पेन से, इस हर्ट से। अगर किसी तरह का गिल्ट अपने अंदर रखा है खुद के लिए, तो उसे भी अपने मन से निकालेंगे, खुद को इस नेगेटिव इमोशन के भार से पूरी तरह से खाली कर देंगे। पर ये मेडिटेशन शुरू करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, बल्कि खुद के लिए कर रहे हैं। नफ़रत, गुस्सा और ब्लेम के जो इमोशंस हमारे अंदर हैं, ये सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, किसी और को नहीं। ये नेगेटिव इमोशन हमें अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते, ये हमें अंदर ही अंदर दुखी करते रहते हैं, तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए हम खुद को इस तकलीफ से पूरी तरह से आज आज़ाद कर देंगे, क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं, ये हम अपनी खुशी के लिए कर, अपनी शांति के लिए कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी शांत कमरे में बैठ जाएं, ध्यान रखें कि कंधे और बैक बोन स्ट्रेट हो और हथेलियां घुटनों पर। अब अपना सारा ध्यान अपने श्वास पर लेकर जाइए। एक लंबी गहरी सांस और उसे छोड़ दें। फिर से लंबी गहरी सांस और उसे जाने दें। अगेन गहरी सांस और धीरे धीरे खाली हो जाए। अब आपका मन शांत हो रहा है, आपका शरीर शिथिल हो रहा है। आपकी सारी मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। महसूस करिए हर एक गहरी श्वास को छोड़ते हुए आपका मन बिल्कुल शांत हो रहा है, आपका शरीर और शिथिल हो रहा है। आप अपने ध्यान में ऐसे इंसान को लेकर आइए जिन्होंने आपके साथ कभी कुछ बुरा किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया है, या कुछ भी ऐसा किया है
जिसकी वजह से आपके अंदर उसके लिए बहुत गुस्सा है, बहुत हेट है, पेन है। देखिए, जब आप उस इंसान को अपने मन में ला रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? क्या ये नफरत है, क्रोध है, पेन है? आप कैसा फील कर रहे हैं? इन भावनाओं से आप भागे नहीं, बल्कि साक्षी भाव से उन्हें देखते रहिए। अब विजुलाइज करिए कि वो इंसान आपके सामने बैठा है और आप उसे देख रहे हैं। बिल्कुल साक्षी भाव से उसे देखिए। अब अपने मन में एक विचार लाएं कि ये जीवन एक रंगमंच की तरह है और जो भी किरदार आपके जीवन में है वो इस रंगमंच के किरदार की तरह है। और अपने हिस्से का रोल प्ले कर रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है हमें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, हमें कुछ बताने के लिए हो रहा है, या हमारे ही किसी कर्म के फल के अनुसार हो रहा है या हुआ है। जो भी हमारे जीवन में आ रहा है या आया था या आएगा, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। और देखिए हमने उनसे क्या सीखा है। देखिए उस इंसान को जो आपके सामने बैठा है, वो भी परमात्मा का अंश है, आप ही की तरह से, वो भी उस परमपिता परमात्मा की संतान है। दिल से क्षमा कर दीजिए उस इंसान को। माफ कर दीजिए। और खुद को खाली कर दीजिए। जैसे ही आप माफ करेंगे आपका मन भी खाली हो जाएगा। क्षमा कर दीजिए उसे। उसने जो कुछ भी गलत किया है आपके साथ, उस सब को दिल से क्षमा कर दीजिए। महसूस करिए जैसे ही आपने उसे माफ किया आपका मन शांत होने लगा है। अब आपके मन में उस इंसान के लिए जो भी निगेटिव इमोशंस हैं वो धीरे धीरे हर एक श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हुए रिलीज हो रहा है।
आपका मन अब खाली हो चुका है। आप विजुलाइज करिए कि आपके सामने बैठा वो इंसान धीरे धीरे आपकी आंखों से ओझल हो रहा है। और वो पूरी तरह से आपकी आंखों के सामने से गायब हो चुका है। आप बिल्कुल शांत मन से बैठे हैं। अब अपने आप को भी क्षमा कर दीजिए अगर जाने अनजाने आपसे कुछ गलत हो गया है, तो खुद को भी दिल से क्षमा कर दीजिए और अपने मन को हर एक बोझ से बिल्कुल खाली कर दीजिए। अब आपका मन बिल्कुल शांत है। अपने आत्म स्वरूप में है, पूरी तरह से आनंद में है।